Rashmi, for it, for the left, please. Okay. So, rolling. ये हुई ना बात मिशन मुरली मनाओ मैं शांतली और राधा हो गए एक साथ अब तो मुरली जी को माननी पड़ेगी हमारी बात तो हाथ का इंसर्ट दो ताली का ये हाथ बढ़ाया एंड दादा हाथ बढ़ाओ एंड एक्शन ताली ओके छास का इंसर्ट लेना So, राधा आज के सीक्वेंस के बारे में जी आज तो एक बहुत ही सीरियस सीन हम शूट कर रहे हैं एक्चुअली पूरे खानदान को पता चला है कि मुरली जी जो इतने डरे डरे से और सहमे सहमे से रहते हैं हमेशा वो क्यों रहते हैं एक्चुअली उनका स्वभाव ऐसे नहीं है हालातों ने उन्हें ऐसे बनाया है तो आज उन्होंने अपने इतने सालों की जो उनके मन में दबी हुई जो सारी चीज़ें थी वो सबके सामने बाहर निकाली है और सबको पता चला है कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में और वो बिल्कुल भी सुखी नहीं है और वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जो वो दिखाते हैं दुनिया को तो आज जब पूरे फैमिली को पता चला एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है दोनों भाइयों में लीलाधर और मुरलीधर में जो कभी ऐसा हुआ नहीं है चतुर्वेदी खानदान में और ये बहुत ही सीरियस मैटर है तो अभी ये राधा कोशिश कर रही है कि वो दोनों को मिलाए और मेंड करे तो सबसे ज़्यादा हर्ट इसमें साधना आंटी को हुआ है क्योंकि मुरली जी को लगता है कि साधना आंटी उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है जो ऐसा नहीं है तो ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो मुरली जी के दिमाग में है वो राधा और साधना आंटी मिल के उसे निकालने की कोशिश करेंगी और अब पहला रास्ता है जो श्यामली जी को पता नहीं है कुछ सारी चीज़ें जो वो नहीं थी सुनने के लिए तो उन्हें लगता है कि शायद वो थोड़े नाराज़ है इसलिए तो वो है ना एक बहुत ही प्यारी कोशिश कर रही है अपने पति को मनाने की बाय मेकिंग हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट सो अभी हमने देखा कि वो उनकी फेवरेट चीज़ें बना रही है तो राधा उसमें मदद कर रही है और उनकी हेल्प कर रही है कि कैसे वो अपने पति को मनाए एक्चुअली ये बहुत ही गलत एडवाइस है क्योंकि राधा खुद ही अपने पति से रूठी हुई है और वो दूसरों का एडवाइस दे रही है सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट राधा और लीला मिलेगा जी अनबन तो अभी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट आई मीन अभी तो राधा तो लीलाधर को अपनी अपना फ्रेंड मानती है तो अनबन तो खत्म हो गया अब राधा हेट नहीं करती एलडी को इस होली हमें राधा और लीलाधर के बीच में थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री देखने मिलेगी तो राधा और लीलाधर नाम ही प्यार से है यू नेवर नो और मे बी और नहीं नहीं पता जी होली जैसे हम होली के दिन हम नाइट को एक होली में सारी चीज़ें डालते हैं पानी पैसा जो भी है नारियल वारियल डाल के हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं जो बुरी है जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाए और एक नई सिरे से हम शुरू करें और हमें ताकत दे उसके लिए तो हम पहले मंदिर जाते हैं भगवान के पैर पड़ते हैं आशीर्वाद लेते हैं मम्मी पापा के पैर पड़ते हैं और खुशी से मनाते हैं ये सारी चीज़ें और मैं नॉर्मली होली ऐसे सेलिब्रेट नहीं करती मुझे नहीं पसंद जब लोग ऐसे सब कलर वाला लगाते तो आज तो आज फूटते हैं होली में तो मैं बस कभी आई वाज नेवर फॉन्ड ऑफ कलर्स एंड प्लेइंग होली एज सच बट आई यूज टू मैंने एक होली खेली है लाइफ में और वो फर्स्ट और लास्ट होली थी और वो होली मैंने इतने घटिया तरीके से खेली थी कि उसके बाद से मुझे होली का एक डर बैठ गया मन में तो मैं अभी होली नहीं मनाती पर हाँ खा पी के और सो के होली मनाती हूँ मैं मेरी मम्मी होली के दिन पूरन पोली पापड़ भजिया मस्त कांदा भजिया सब सब बनाती है घर में खा पी के आराम से सो जाने का मूवी वूवी देखने का बस शुरुआत होती है जिंदगी में एक नए रंग लाने के लिए तो
ऐसी कोई पुरानी नई शुरुआत, आप नए रंग लगाने की शुरुआत करेंगे? जी, जैसे हम बोलते हैं कि बुरा ना मानो होली है, तो मैं बस मेरे ऑन द डे ऑफ होली आई विल सेंड ऑल द टेक्स्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स सेइंग दैट जो भी है, अगर मेरे से नोइंगली अनोइंगली कुछ जो सारी गलतियां हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और दूर से ही फ़ोन में से कलर फेंकूंगी। तो अभी है व्हाट्सएप पे इमोजी है कलर फेंकने का, नहीं हो तो हम बनाएंगे और फेंक के मोबाइल से रंग मारेंगे और होली बनाएंगे। सारे दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि होली के दिन प्लीज़ पानी बचाइए और एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, और खूब प्यार बांटिए और खूब खुशियां बांटिए, और जो भी है जैसा भी है उनको भी रंग लगाइए, एनिमीज हो जो भी हो उनको मस्त कलर छेपिए और बोलिए बुरा ना मानो होली है। थैंक यू, थैंक यू।